हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे बंकिम। मे गॉड ब्लेस यू, गिव यू ऑल द हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम किड्स एंड मी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग सब? वेल, 5 मार्च यानी कि मेरा जन्म तारीख। तो दोस्तों, पूजा वूजा तो हो चुकी है एंड मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है जो कि बुबो ने बनाया है। हलवा बनाया है, गुड़ का हलवा। तो आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए और मैं अच्छा करूं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं शुरू करता हूँ। आज सुबह अपना मुँह मीठा करके हैव अ गुड डे। एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। रिधिमा कुकरेती जी जो हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, याद किए जा रहे हैं। अभी तक उसको अपने क्या रिवाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। रौनक जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्कूल का टाइम हो चुका है एंड वो तैयार है, लेकिन उसको ठंडी लग रही इस वक्त। चले बेटा। एंड ये है बोबो जी, रौनक का बैग लेके खड़ी है। इट्स हैवी। तो वेल, हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी एंड मैं बोबो जो है वॉक करने जा रहे हैं इनको छोड़ने के बाद, फिर मिलते हैं सीधे वहीं पे। तो बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ डी मार्ट में आए हैं। बोबो को कुछ सामान खरीदना है। तो यस, अरे वाह, ये तो सामान इकट्ठा कर करके ट्रॉली में रखी जा रही है। कितना सामान लोगे भाई? अरे वेल, अब थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। हम खा रहे हैं बड़ा बिग सांबर एंड 2 टाइप ऑफ चटनी। महावीनगर जो है वो खाने वालों का स्वर्ग है और ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर। ये बंदा जो है Wishing you a very happy birthday to the most handsome guy I know. Thank you so much. Cutest person in my life. Thank you so much. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rakusan. Rako. Happy birthday to you. Bye. I don't eat. सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मनीष को और जसजोत को। दोनों ने केक और ये गिफ्ट लेके आया। मनीष, थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। और ये क्या है, मैं इसे खोल के देखता हूँ। मनीष भाई जो है ऐसी सरप्राइज देते रहते हम सबको। मेरे को भी आता है कौन। वो सोच रहा है, मतलब मालूम है तो वैसे ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे निकाल? वेल, ये मैंने निकाला और यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और सबसे तेरा गाना बाद में। मनीष तो खैर मेरा पड़ोसी था ही पहले, अब जसजोत भी अब इधर ही आ गया, बाजू में पड़ोसी बन गया हमारा। तो अब ये एससीडी की टीम जो है वो चीते जो हैं अभी मलाड में जिएंगे। मलाड में बैठ के पीते चीते जो पीते। श्योर बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। व्हाट अ सरप्राइज है। वेल, जसजोत और मनीष ने जो सरप्राइज दिया, आई मीन दैट वाज रियली हार्ट टचिंग।
एंड बड़ा ही इमोशनल कर दिया दोनों ने मुझे. आई मीन मैंने सोचा नहीं था वो दोनों इस तरह से आएंगे एंड इस तरह का सरप्राइज देंगे मुझे. शूट करते वक्त हम लोग के बीच में काफ़ी लगाव था एक दूसरे के प्रति. हम वी वेर लाइक ब्रदर्स एंड उन दोनों को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई जैसा समझा है. अब तो जजुद भी यहाँ पास में ही आ गया तो हम मिलते रहेंगे एंड मैं उन्हें वक्त वक्त पे आप लोगों के साथ मिलाता रहूँगा. हम लोग सब इंटरटेन करते रहेंगे आप लोग सबको. तो वेल दोस्तों अच्छा जा रहा है अभी तक तो यार सब कुछ मतलब मज़ा आ रहा है. आई मीन अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है. अनक जलेबी खा रहा है. जलेबी दिखाओ तो मुझे. इतना छोटू सा बड़ा वाला दिखाओ. वेल ये 8 बना हुआ है. जलेबी रौनक को बहुत पसंद है और अक्सर मांगता रहता है. आई मीन इसका फेवरेट है. इवन जब मैं यंग था काफ़ी यंग था स्कूल टाइम में तब मैं भी जलेबी बहुत खाया करता था एंड वो मेरा फेवरेट था. और मैं जैसे कि मीठा बहुत खाता हूँ तो वो तो पहले खाती नहीं थी. धीरे धीरे वो भी सीख गई है. वो भी मीठा बहुत खाती है और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खाते हैं. और जलेबी जो है वो सबकी फेवरेट है. जय भोलेनाथ. मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं रौनक यहाँ पर जॉगर्स में आ गए हैं. तो रौनक जो है वो आप देख ही रहे मेरे पीछे जॉगिंग में लगा हुआ वॉक में लगा हुआ है. कौन से हेलो हेलो इस वक्त रौनक जो है पढ़ाई कर रहा है और मैं उसके साथ बैठा हुआ देख रहा हूँ कि रौनक कैसे पढ़ाई कर रहा है. रौनक जी पढ़ाई करते हैं लेकिन बहुत नॉटी है. पापा की बात नहीं सुनता है. सुनता है. ओके okay. अरे भाई मैंने कहा कुछ भी ड्रॉ कर लो आप ऐसा कुछ नहीं है. अब्स्ट्रैक्ट आर्ट एनीथिंग क्या करने वाले. ओके सरप्राइज. अरे यार इसी बात पे मुझे याद आया कि रौनक ने मेरे को जो बर्थडे गिफ्ट दिया है उसने मेरे लिए कार्ड बनाया था. आई विल शो यू द कार्ड. बाबा आ गए तो मैं अभी वहां जा रहा हूँ. थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ. मैं बताता हूँ आपको. वेल तो बोबो आ गई है एंड बोबो जो है वो रिद्धिमा और रौनक की तरफ से कुछ लेके आई हैं. पता नहीं क्या लेके आई हैं लेकिन मैं भी आपको बताने जा रहा था कि रौनक ने मेरे लिए एक कार्ड बनाया. जैसे ड्राइंग की बात आई तो मैं चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ. रौनक ने कहाँ से बनाया. रौनक कह रहा है कि उसने गूगल में देख कर बनाया है. और आप मुझे बताइए मैं सबको दिखाता हूँ. यहाँ पे ये देखिए इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे और ड्राइंग बनाया उसने देखिए. और नीचे लिखा डैड और यहाँ पे लिखा हैप्पी बर्थडे पापा. वाह ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग. ये बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है रौनक ने एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस. थैंक यू सो मच रौनक. ये भी है. और उसने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा दिल दिया है देखिए. और इस पे लिखा है पापा. और ब्लू जो है वो मेरा रौनक का फेवरेट कलर है. तो वेल वो ब्लू में उसने बनाया है और मुझे दिया है. थैंक यू सो मच रौनक. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. हां अब बारी आती है रिद्धिमा की. रिद्धिमा जो है बोलो बोलो कुछ बोलो. हैप्पी बर्थडे पापा. थैंक यू रिद्धिमा. वैसी बहुत शर्माती है तो वो भी कुछ लेकर आई है मेरे लिए. उसने कहा था वो मेरे लिए बेल्ट लेके आएगी एंड वेल देखिए इट्स लेदर बेल्ट. बहुत ही अच्छी बेल्ट है. थैंक यू सो मच रिद्धिमा एंड आई लव यू. वेलकम वेलकम. अरे ये रौनक जी क्या लाए मिलने. दिखाओ यार आपको दिखाना पड़ेगा यार मुझे. ऐसे नहीं यार दिखाओ यार मुझे. आप ऐसे मुझे क्या है इसमें यार कुछ तो है यार रौनक. लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट आपकी ड्राइंग लगी यार.
ओ वाह 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 ओ वाह 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 सो कूल और पैकेजिंग भी डालो साथ ओ और ये जो टी-शर्ट है वो बोबो लेके आई थी पहले इसके साथ तो चार पांच टी-शर्ट्स और लेकर आई रखी हुई अंदर वेल बोबो बोबो को जो है काफी टाइम से मैं अपने ब्लॉग में लाया वो आई नहीं खुद ही नहीं आ रही थी क्योंकि शी वाज नॉट वेल एंड देखिए हमारा कंकु महाराज वी आर हैप्पी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे थैंक यू सो मच यार वैसे तो मैं बर्थडे बर्थडे हम लोग मनाते नहीं जस्ट फैमिली जस्ट हम लोग आपस में रहते हैं हम लोग जैसे कि मैंने बताया मंदिर वंदिर ये सब जाते पूजा करते हैं तो वही हम लोग करते हैं एटलीस्ट मैं और बोबो तो ऐसे ही करते हैं बच्चों को हम जरूर सेलिब्रेट करते हैं लेकिन हम दोनों का हम ऐसे ही करते ज़्यादातर तो वेल तो दोस्तों मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद बाय 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 वेल तो दोस्तों आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ पाव भाजी के साथ वेल ये जो पाव भाजी है वो बोबो ने मेरे लिए स्पेशली बनाया है एंड इट्स टू यम रियली टू यम सो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड Keep watching. Good night.